कल्पना कीजिए कि आप अपने घरों में बैठे हों और दुनिया भर में महिलाओं पर बच्चियों पर अत्याचार किया जा रहा हो। सुनकर आप भी सिहर उठेंगे। आज ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भले ही दुनिया आधुनिकता की तरफ तेजी से बढ़ रही हो, भले ही कहा जाता है कि महिलाओं आजाद है और महिलाओं के लिए जिंदगी पहले से आसान है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। ये उतना ही जितना हम देखते हैं या हमें दिखाया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाज। मैं हूं आपके साथ हरीश असवाल। कुछ जगहों पर महिला आज भी पिंजरे में कैद है, सिर्फ भोग की वस्तु है। सालों से ऐसा ही होता आ रहा है। दुनिया की किसी भी कोने में कुछ भी हो, चाहे गृह युद्ध हो या यूक्रेन और रूस जैसा युद्ध, सबसे ज्यादा प्रताड़ना महिलाओं को ही झेलनी पड़ती है। देश देश की लड़ाई में शिकार होती है महिलाएं और मासूम बच्चियां, हैवानियत की जाती है उनके साथ, हदे पार कर दी जाती हैं, चाहे वो तालिबान हो या रूसी। चेहरे बदलते हैं पर नियत वही। बात ऐसे देश की करते हैं जहां 4 साल के युद्ध के दौरान लगभग 50,000 महिलाएं और अज्ञात संख्या में पुरुष बलात्कार के शिकार हुए। बेसनिया दुनिया का सबसे स्थिर और शांत महादेश यूरोप के केंद्र में बसता है, लेकिन 20 साल हो गए उन पीड़ितों में से अधिकांश को कोई न्याय नहीं मिला। इस कृत्य की प्रकृति ऐसी होती है कि इसके भुक्तभोगी, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, जीवन भर अकेलापन, बहिष्करण और भय के साये में जीते हैं। बिना सामाजिक स्वीकृति के बहुत से पीड़ित तो ऐसे होते हैं जो शर्म और मानसिक वेदना बर्दाश्त नहीं कर पाते और उन्हें शारीरिक आघात भी झेलना पड़ता है। पीड़ितों में बहुत से छोटे बच्चे होते हैं जिनके शरीर, मन और भविष्य चकनाचूर हो गया युद्ध के इलाके में होने वाले बलात्कारों के इर्द गिर्द बना। ये टैबू यह भी दर्शाता है कि क्यों इसकी व्यापकता और गंभीरता को ठीक तरह से समझा नहीं गया। दुनिया भर में ऐसे लोगों के स्मारक बने हैं जिन्होंने अपने जीवन संघर्ष में बलिदान किए। जरा कल्पना कीजिए, पिछले 100 साल में युद्ध के दौरान बलात्कार के शिकार लोगों की पीड़ा व्यक्त करने के लिए कितने विशाल स्मारक की जरूरत पड़ेगी। हर दिन इसकी दीवारें नए नाम खोदने होंगे, क्योंकि सीरिया, दक्षिण सूडान, मध्य अफ्रीका, गणतंत्र और अन्य देशों में ये अपराध तब भी हो रहे हैं जब आप इन शब्दों को सुन रहे हैं, और अब भी इसके साथ रूस और तालिबान, यूक्रेन नाम भी जुड़ गए हैं। इसे समझने के लिए हमने इसे कई हिस्सों में बांटा है कि आखिर ये सब कैसे रोका जा सकता है। आज हम ऐसे ही महिलाओं और मासूमों की आवाज बन रहे हैं। पहला, बलात्कार और यौन हिंसा अपरिहार नहीं होता, बल्कि युद्ध की सोची समझी नीति होती है जिन्हें प्रतिबंधित किया जा सकता है, रोका जा सकता है, और जिनके लिए अपराधियों को दंडित किया जा सकता है। दूसरा, मूल विषय न्याय है। इस बार जब ऐसे अपराध होते हैं और दुनिया इस पर कुछ नहीं करती, तो एक उदाहरण सा कायम हो जाता है कि यौन हिंसा का दंड मुक्त कृत्य है, चाहे या नाइजीरिया की स्कूली छात्राओं पर किया गया हो, या सीरिया की शरणार्थियों पर, या यूक्रेन की महिलाओं पर। तीसरा, यह एक नैतिक दायित्व है। कोई भी देश ये नहीं कह सकता कि उसका मानवाधिकारों से में आस्था है, और दूसरी तरफ वह युद्ध कालीन यौन हिंसा की ओर से आंखें मूंद रहे हैं। ये तो विदेशी नीति का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जो अस्थिरता और संघर्ष को हवा देता है। इसे खत्म करना राष्ट्रीय सुरक्षा की एक अनिवार्यता है। चौथा,
जहां पुरुष और बच्चे भी इसका शिकार हैं, युद्धकालीन यौन हिंसा के महिलाओं के अधिकार को हर जगह छीन रखा है। हम अपने पतियों के हाथों या क्रूर वैधानिक व्यवस्था के शिकार महिलाओं की यातनाओं के बारे में पढ़ते हैं। पांचवा, हम ये मानने से इनकार करते हैं कि युद्धकालीन यौन हिंसा इतनी विकट और जटिल समस्या है कि उससे निपटा नहीं जा सकता। यही बात गुलामों के व्यापार और अवैध हथियारों के व्यापार के बारे में भी कही जाती है। लेकिन जब लोगों की राय बनती है और सरकारें ठान लेती हैं, तो बदलाव तेजी से होता है। इस बात का प्रमाण है कि ऐसा हो रहा है। दुनिया के 3/4 से अधिक देशों ने युद्ध के दौरान यौन हिंसा को खत्म करने की प्रतिबद्धता के घोषणा डिक्लेरेशन ऑफ कमिटमेंट टू एंड सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट की पुष्टि की है। ये तो हमने आवाज उठाई है उनके लिए जो अपने ऊपर हुए जुर्म को बता ना सके। लेकिन लगा था कि जैसे जैसे साल बीते जाएंगे सब खत्म हो जाएगा। किसी भी देश से बदला लेने के लिए वहां की महिलाएं और बच्चियों को हवस का शिकार नहीं बनाया जाएगा। लेकिन ये सब गलत निकला। ना महिलाओं के लिए कल कुछ बदला था, ना आज बदला है। किसी भी बेबस महिला, अकेली महिला को देखकर उसकी मदद करने की बजाय उसके जिस्म को तार तार कर दिया जाता है। ऐसी यातनाएं दी जाती हैं कि हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। उदाहरण के तौर पर देख लीजिए आज की हकीकत को, रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। युद्ध के कारण तबाही का मंजर यूक्रेन में हर तरफ देखा जा रहा सकता है। जगह जगह लाशें बिखरी हुई हैं जो कि दिलों को झंझोर देने वाली। लेकिन यहां यूक्रेन की संसद लेसिया वास्लिके ने दावा किया कि रूसी सैनिक ने 10 साल की उम्र की लड़की का रेप किया, उनके शरीर पर किसी रॉड से स्वास्तिक जैसा निशान बनाया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, रूसी सैनिक नागरिकों को लूटते हैं, बलात्कार करते हैं और फिर मार देते हैं। सांसद ने दावा किया कि सैनिक 60 साल की उम्र से अधिक महिलाओं के साथ रेप करते हैं। वहीं हिंसा से बचने के लिए कई महिलाओं ने यौन शोषण के बाद आत्महत्या कर ली। वहीं कुछ इतनी कमजोर थी कि वो रेप के बाद बच नहीं सकी। इतना ही नहीं, जिन महिलाओं के साथ रेप किया गया उनमें से कुछ को फांसी दी गई। हालांकि यहां उन्होंने कहा कि हम इन अन्याय के खिलाफ सबूत जुटा रहे हैं और युद्ध के दौरान हुए अपराध के मामले में हम ECHR यानी यूरोपियन कन्वीनियन ऑन ह्यूमन राइट्स में ले जाएंगे। ये कहानी किसी एक यूक्रेन महिला की नहीं है, यूक्रेन की कई महिलाओं के साथ ऐसी घटनाएं हुई। एक महिला ने कहा, बंदूक की नोक पर रेप किया गया। औरत का कोई देश नहीं होता। ये बांग्लादेशी लेखिका तस्लीम नसरीन की किताब का शीर्षक है। ये यूक्रेनी महिलाओं पर सच होता दिखा। यूक्रेन में रूसी सैनिक के कत्लेआम बर्बरता की गवाह दुनिया बन रही है। हर रोज यूक्रेन से दरिंदगी की एक नई कहानी सामने आ रही है। कीव से 50 मील दूरी पर एक छोटा सा गांव इवान कीव में रूसी सैनिक ने 2 नाबालिग बहनों से रेप किया। रूसी सैनिक ने लड़कियों के साथ बेहद क्रूरता दिखाई, जान बचाने के लिए बेसमेंट में छिपी। लड़कियों को बाल से खींचकर बाहर निकाला गया और फिर उन्हें टॉर्चर किया गया। इसका नतीजा यह हुआ कि अब वहां की लड़कियां बदसूरत दिखने के लिए अपने बाल छोटे करवा रही हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो अट्रैक्टिव नहीं दिखेंगी तो रूसी सैनिक की हैवानियत से बच जाएंगी। तो समझिए, खूबसूरत होना भी एक अभिशाप हो सकता है। ये धारणा यूक्रेन महिला की थी, लेकिन असल में रेपिस्ट को औरत की देह से मतलब है, शक्ल सूरत से नहीं। संसार की क्रूरता से बलात्कार जैसी
युद्ध के हथियारों को नष्ट करना हमारे वश में है, और यह भी हमारे वश में है कि पीड़ितों के साथ सामाजिक बहिष्कृत जैसी बर्ताव ना किए जाए। तो आज आवाज में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले सप्ताह किसी नए मुद्दे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।